हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पबजी मोबाइल में क्लाउड लेवल के बारे में, जो कहते हैं कि हमारा क्लाउड लेवल स्टक हो जाता है और क्लाउड लेवल को हम लोग इंक्रीज़ किस तरह से करते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स लेके आएंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो क्लाउड लेवल की बात कर लेते हैं और इसे किस तरह से इंक्रीज़ करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है। पॉपुलैरिटी को ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आपको लेवल 5 पे जो लिखा हुआ है कि 10 मिलियन करोगे तो लेवल 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, इस तरह से। ये तो हो गया पॉपुलैरिटी। इसके नीचे की साइड पे जो लेवल शो हो रहे हैं, ये लेवल 14, तो ये है क्लाउड लेवल। क्लाउड लेवल के हम लोगों को क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर अब यहाँ पर मेरा लेवल 14 है, वो कह रहे हैं कि 960 क्लाउड और ले आओ तो आपका लेवल 15 कर देंगे। अब जैसे ही लेवल 15 होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे फायदा ये होगा कि मेरा जो विजिटर्स का बैज है वो कलरफुल हो जाएगा। पहले ये कलरफुल नहीं था, इसके अंदर ये देखे कलर सा आ जाएगा। और लेवल 20 में मेरा प्रेस्टीजियस मेडल वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट जाता हूँ तो देखें कितना कलरफुल से हो रहे हैं विजिटर के बैज और मेडल कितना चेंज हो रहा है। तो आप लोगों को मेडल का भी बताता हूँ और विजिटर के बैज का भी बताता हूँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा कोई भी विजिटर देख लें, उसके ऊपर नाम के ऊपर एक मेडल है। अब ये इसी तरह से आपके नामों के साथ भी शो होता है। आप जब भी किसी की प्रोफाइल या कोई बंदा आपकी आपको देखता है किसी की प्रोफाइल के अंदर, तो आपके ऊपर एक मेडल शो होता है। जिस तरह से मेरा ये लेवल 14 पे, उसी तरह से आपके भी ये लेवल के हिसाब से मेडल शो होते हैं कि इनका क्लाउड लेवल इतना है। उसी तरह से अगर आप किसी के प्रोफाइल देखें, तो यहाँ पर देखें ये विजिटर के साथ कितना डार्क से कलर में उसका नेम लिखा हुआ था। अगर मैं लेवल 15 कर लेता हूँ तो ये देखें मेरा कलरफुल नेम हो जाएगा विजिटर का। अभी लेवल 5 है, जिनका लेवल 5 था उनका ब्लैक से कलर में शो हो रहा था नाम, लेकिन अगर आप लेवल अप कर लेते हो तो कलरफुल सा हो जाता है, तो ये थोड़ा ग्रेसी सा बन जाता होता है। अब लेवल 15 करने के लिए मुझे 960 क्लाउड चाहिए। क्लाउड कैसे मिलता है उसका बताता हूँ। किसी भी बंदे की यहाँ से आप लोगों ने प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और जहाँ से पॉपुलैरिटी को सेंड करते हैं। अब पॉपुलैरिटी सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अब ये वाली पॉपुलैरिटी है, इस पर लिखा हुआ अगर ये आप सेंड करोगे इस बंदे को, तो उसकी 10 पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होगी। तो उसी के नीचे लिखा हुआ है और सिनर्जी 0 इंक्रीज़ होगी। बाइक पे आते हैं तो कह रहा है 200 पॉपुलैरिटी देगा ये और 1 सिनर्जी और साथ में 10 क्लाउड लेवल। अब मुझे कितना क्लाउड लेवल चाहिए था, वो था 960, लेकिन अगर मैं एक बाइक सेंड करूंगा तो मेरा 10 क्लाउड बढ़ेगा। मतलब 960 के लिए मुझे 96 बाइक सेंड करनी पड़ेंगी किसी को। उसी तरह से अगर इवेंट वाली पॉपुलैरिटीज़ में आते हैं तो उनके नीचे भी आप लोगों ने देख लेना है कि ये पॉपुलैरिटी सेंड करने से कितना क्लाउड बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर किसी भी पॉपुलैरिटी के नीचे आप लोग देख सकते हो क्लाउड लेवल है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिनको सेंड करने से बिल्कुल भी क्लाउड नहीं बढ़ता है, जिस तरह से ये वाली है। अब ये मेडल को आप लोग देख सकते हो, इसके नीचे क्लाउड लिखा ही नहीं हुआ, 0 है। मतलब अगर आप ये वाला मेडल किसी को सेंड भी कर देते हो तो आपकी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी, वो क्लाउड लेवल नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से अब ये देखें, ये अगर मैं डोल सेंड करता हूँ तो ये 1200 पॉपुलैरिटी दे रही है लेकिन क्लाउड 0 दे रही है। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने देख लेना है कि इवेंट वाली पॉपुलैरिटीज़ क्लाउड दे रही हैं या नहीं दे रही, तो उस हिसाब से आपने अपने क्लाउड को इंक्रीज़ करना है। कुछ लोग होते हैं पॉपुलैरिटी सेंड करते रहते, कहते हैं मेरा हमारा क्लाउड नहीं बढ़ा, तो इस वजह से भी नहीं बढ़ता। आपने पॉपुलैरिटी के नीचे देख लेना है। अब ये गाड़ी के क्लाउड देखें, अगर मैं ये एक कार किसी को सेंड करता हूँ तो 2000 क्लाउड बढ़ जाएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए था, सिर्फ 960 लेवल 15 करने के लिए। तो ये वाला सारा चक्कर होता है। तो क्लाउड के बढ़ाने के लिए आपको किसी को पॉपुलैरिटी सेंड करनी पड़ेगी और उस पॉपुलैरिटी के नीचे ही डिटेल में लिखा होता है कि ये पॉपुलैरिटी कितना क्लाउड आपका इंक्रीज करेगी। तो उसके बाद अब आप लोगों को बताऊं कि ये क्लाउड लेवल आप लोगों का स्टक क्यों होता है। अब जिस तरह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुझे 960 क्लाउड चाहिए। अब अगर मैं किसी को पॉपुलैरिटी नहीं सेंड करता हूँ ना, तो कुछ टाइम के लिए, 1 मंथ कह लो, मैं किसी को पॉपुलैरिटी नहीं सेंड करता, तो मेरा जो पीछे वाला लेवल होगा ना, जैसे लेवल 10 है, तो मैं अगर किसी को अब विजिट करूंगा, मेरा लेवल 10 शो होगा, 14 ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के बाद। अगर मैं किसी को पॉपुलैरिटी नहीं देता, मेरा बिल्कुल भी क्लाउड नहीं बढ़ता, तो लेवल 14 की जगह मेरा लेवल 10 शो होगा। तो उसको कहते हैं कि हमारा क्लाउड स्टक हो गया है। मतलब अब वो स्टक ऐसे ही होता है कि आपका लेवल पीछे चला जाता है, बैक चला जाता है, क्योंकि आपने किसी को सेंड नहीं की पॉपुलैरिटी। तो सिंपली आपने किसी को एक बाइक सेंड कर देना है या कुछ भी सेंड करेंगे, तो आपका लेवल जो है ना, वो जो 10 शो हो रहा था, वो वापस से 14 शो होना शुरू हो जाएगा। और मुझे देखें, अब यहाँ पर 950 पॉपुलैरिटी और चाहिए। तो जब भी आपका क्लाउड स्टक हो जाए, तो उसकी यही रीज़न होती है कि आप किसी को पॉपुलैरिटी नहीं सेंड कर रहे। और जब आप कहते हो कि हमने पॉपुलैरिटी सेंड की फिर भी वो नहीं हमारा बढ़ा, तो उसकी वजह ये होती है कि आप वो वाली पॉपुलैरिटी सेंड कर देते हो जिसके नीचे क्लाउड था ही नहीं। आपको इवेंट पॉपुलैरिटीज़ मैंने कई दिखाई हैं जिनके नीचे क्लाउड है ही नहीं, कितनी ज़्यादा ज़्यादा वो पॉपुलैरिटीज़ दे रही हैं लेकिन क्लाउड बिल्कुल 0 दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट करके क्लाउड लेवल को बढ़ाना है अपने को। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज के लिए यही टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल को। तो ख्याल रखिएगा अपना, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।